हाय गाइस, आई एम सार्थक फ्रॉम modixcommunities.com एंड स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नए पीसी बिल्ड के अंदर। एंड बात करते हैं गाइस इस पीसी के बारे में जो कि हमारे सामने यार यहां पर सजा हुआ है। अच्छा, ये जो पीसी इसके बजट के बारे में आप लोग बताता हूं, तो ये होने वाला है अंडर ₹80,000। तो वीडियो में यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बात करेंगे सभी कॉम्पोनेंट्स के बारे में कि क्या क्या चीजें जो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अच्छा, वैसे अगर आपको भी ऐसी एक पीसी बिल्ड अपने लिए करवाना हो, चाहे वो गेमिंग पीसी हो, एडिटिंग पीसी हो, तो आप अपने लिए यार करवा सकते हो। हमको आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो हमारे नंबर्स हैं वो आपको ऊपर कहीं पर देखने को मिल जाएंगे, 7303986007। इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, हमारी जो टीम है आप उससे बात कर सकते हो एंड प्राइजेस वगैरह ले सकते हो जो भी आपको लेने हो। एंड अपना जो गेमिंग पीसी आप वो हमसे बुक कर सकते हो एंड देन बुक करने के कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर पर पहुंच जाएगा चमचमाता हुआ पीसी। तो कॉन्टैक्ट तो आप हमको कर ही सकते हो नंबर के थ्रू। बाकी अगर आपको हमारी वेबसाइट चेकआउट करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जाकर भी परचेज कर सकते हो, जो कि modixcommunities.com। यहां पर आपको ना कस्टम पीसी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, एएमडी या फिर इंटेल का। स्क्रैच से आप अपने हिसाब से यहां पर कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी कार्ड के अंदर डाल के यहां से पेमेंट कर सकते हो एंड देन फिर अगेन फिर से भाई कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर पर पहुंच जाएगा आपका चमचमाता हुआ पीसी। ठीक है, वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो एंड जो हमारे नंबर्स हैं उन सभी ये सारी जितनी भी चीजें वेबसाइट की जो लिंक है एंड जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप लोग देख सकते हो। चलिए गाइस, अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में जो कि हम लोग आज के इस ₹80,000 के पीसी बिल्ड के अंदर यूज करने वाले हैं। एग्जैक्ट प्राइसिंग बताऊं आप लोगों को इस पीसी की, तो वो है ₹78,000। ठीक है, वैसे इसके अंदर जो स्टोरेज है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो हमारे भाई है जिन्होंने इस पीसी को ऑर्डर करा है उनके पास उनकी हार्ड ड्राइव SSDs ऑलरेडी रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को हार्ड ड्राइव और SSD नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर आप हार्ड ड्राइव और SSD की कॉस्ट को हटा देते हो तो ये जो पीसी आपको लगभग ₹5,000 सस्ता पड़ जाएगा, यानी 73,000 के आसपास में जो उन्होंने पे करा था इस पीसी के लिए। ठीक है, तो मैं तो आपको हार्ड ड्राइव और SSD का प्राइस जोड़ के बता रहा हूं, अंडर ₹80,000। बात करते गए सभी कंपोनेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जो यहां पर प्रोसेसर यूज करने वाले हैं जो कि हमारे भाई ने यहां पर चूज करा है वो है राइजन 5 3600। एंड अच्छा भाई तो करे जा रहा हूं, एक सेकंड रुको जरा, भाई तो करे जा रहा हूं मैंने जो हमारे भाई हैं उनके बारे में तो आप लोगों को बताया, यानी कि ऑर्डर कहां से आया और किसने करा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं ये ऑर्डर आया है भाई नागालैंड से। तो जी हाँ गाइस, नागालैंड से ऑर्डर आया, काफी दूर से यार ऑर्डर आया। मैं तो यहाँ दिल्ली के आसपास से ऑपरेट करता हूँ, तो समझ रहे हो मतलब काफी दूर से ऑर्डर आया है। एंड इस चीज से तुम एक समझ लो बात को कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक डजंट मैटर कि तुम कहां पर रहते हो, हम लोग ऑल ओवर इंडिया जो है डिलीवरीज करते हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, ज्यादातर 99% हर एक जगह डिलीवरी हो जाती है। तो ये मत पूछा करो कि भाई यहां पे डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी, यहां पे होगी या फिर नहीं होगी। अगर तुम्हारे यहाँ कुरियर वाले आते रहते हैं, तुमने देखा हो तुम्हारे यहाँ अमेजोन पहुंच जाता है डिलीवर करने के लिए, तो भाई हम भी पहुंच जाएंगे। अगर अमेजोन तुम्हारे डिलीवरी कर रहा है तो भाई हम भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, एंड जो हमारे भाई है उनका नाम यार थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट सा है लेना, इनका नाम मैं एक सेकंड आपको देख के बताता हूँ। तो इनका नाम है मित्सिरियुई, ठीक है, आई डोंट नो कि मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ हमारे भाई का नाम, बट इनका नाम है मित्सिरियुई। तो है ना, इन भाई के लिए जो है ये पीसी बिल्ड होने वाला है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा इनका नाम, क्या पता गलत ले रहा हूँ। अब फटाफट से हम लोग जो है कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे प्रोसेसर से, तो राइजन 5 3600 प्रोसेसर हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं जो कि AMD की साइड से आ जाता है, 6 कोर और 12 थ्रेड वाला है, काफी बढ़िया प्रोसेसर है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कुछ भी करना उस हिसाब से काफी ऑलराउंडर प्रोसेसर यहाँ पर जो है हो जाता है। बात करेंगे इस हम लोग यहाँ पर मदरबोर्ड के बारे में, तो मदरबोर्ड जो है वो सबसे स्पेशल चीज है इस पीसी बिल्ड के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं ASRock की तरफ से उनका B550 स्टील लेजेंड मदरबोर्ड। अच्छा, इस मदरबोर्ड के जो लुक्स है ना वो यार मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, काफी एक वाइट एक्सेंट के साथ में आने वाले, काफी बढ़िया सा मदरबोर्ड है ये एंड B550 चिपसेट के ऊपर बेस्ड है। PCIe Gen 4.0 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा एंड भाई ने जो है स्पेशली बोला था कि यार मुझको ये वाला मदरबोर्ड जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो यार प्लीज आप ये वाला मदरबोर्ड लगाना मेरे पीसी के अंदर। एंड तो इसलिए भाई भाई की जो है इच्छा थी, तो हमने भाई के लिए जो है B550 वाला स्टील लेजेंड मदरबोर्ड जो यहां पर लगा दिया है। बात करेंगे इस हम लोग रैम के बारे में, तो रैम के लिए हम लोग यहां पर जो है टोटल 16GB रैम यूज कर रहे हैं, 8 GB की 2 स्टिक्स G-Skill की तरफ से उनकी रिपजॉस 5 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, 8 GB की 2 स्टिक्स डुअल चैनल के अंदर रैम चलेगी, तो काफी मजेदार जो है यहां पर परफॉर्मेंस हमको मिलने वाली है। बात करेंगे इस यहां पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से उनका GTX 1650। यार बताने की जरूरत नहीं है कि 1650 जो है वो कैसा कार्ड है, एंट्री लेवल कार्ड है। यार आपको भी पता है कि GTX के जो और दूसरे वाले कार्ड है वो यार बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम
खराब प्राइसिंग के ऊपर बिक रहे हैं। मतलब कि यार वो जो दूसरे कार्ड्स हैं ना, जैसे कि मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ, एक तो 1660 सुपर हो गया, ठीक है, 1660 Ti हो गया, एंड RTX 2060 भी इसके अंदर तुम लोग जोड़ लो। ये जो कार्ड्स हैं ना, ये अभी फिलहाल 50,000 रुपए के आसपास में बिक रहे हैं। अभी फिलहाल जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी तो बिक रहा है बात का पता नहीं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा जो है बाद में अपलोड होगी कुछ दिनों के बाद, ठीक है। अभी तो फिलहाल यार ये सारे कार्ड जो आपको 40-50,000 रुपए के मिल रहे हैं, एंड इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप इनको जो है उस प्राइस के ऊपर खरीदो। एंड ये कार्ड जो हमने भाई को 22,000 रुपए के आसपास में दे दिया, तो ठीक है यार, मतलब उतना बुरा हाल तो नहीं है उन कार्ड्स की तरह। तो ये भाई जो है फिलहाल अभी 1650 यूज़ करेंगे अपने पीसी के अंदर, देन बाद में जो है काफ़ी अच्छा पीसी बनवा रहे हैं, ठीक है, राइजन 5 3600 B550 स्टील लेजेंड, काफ़ी एक अच्छा मदरबोर्ड, अच्छा प्रोसेसर। तो इन फ्यूचर उनके पास जो है एक हेडरूम होगा कि वो एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड भी फिर अपने पीसी के अंदर लगा पाएंगे। फिलहाल 1650 का जो है यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस बिल्ड के अंदर। पावर सप्लाई के बारे में बात करें तो कूलर मास्टर की तरफ से उनकी मास्टर वॉट एलिट 550 हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। 1650 के हिसाब से वैसे 450 वॉट मोर देन इनफ थी, बट 550 यूज़ करने से एक बेनिफिट मिल रहा है कि इन फ्यूचर अगर वो अपने ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करेंगे तो उनको अपनी पावर सप्लाई अपग्रेड करनी नहीं पड़ेगी। अगर वो 3060 जैसा ग्राफिक्स कार्ड अपने पीसी के अंदर लगा लेंगे तो यहाँ पर जो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, RTX 3060 आराम से चल जाएगा इस पीसी के ऊपर, एंड उनको पावर सप्लाई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करेंगे इस यहां पर हमारी कैबिनेट के बारे में, तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा कमाल की कैबिनेट, जिसका कि मैंने आज तक कभी यूज ही नहीं करा है, ठीक है, मतलब जहां तक मेरे को पता है, इसके रिव्यूज देखे हैं, इसकी पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, देखने में तो यार ये कैबिनेट काफी बढ़िया लगती है, एंड मैंने अपने भाई को जो है सजेस्ट कर दी थी कि भाई आप इस वाली कैबिनेट के साथ में जा सकते हो। तो यह है चिपट्रॉनिक्स की तरफ से उनकी वाइपर RGB कैबिनेट, मतलब नाम में ही काफी मजा सा आ जाता है, चिपट्रॉनिक्स वाइपर RGB कैबिनेट, ठीक है। तो अभी तो खैर मतलब खोलते हैं यार इस कैबिनेट को, ठीक है, बाहर निकालते हैं, फिर ही मैं कुछ कह पाऊंगा इस कैबिनेट के बारे में कि ये कैसी है। बाकी जहां तक हमने अभी तक पिक्चर्स वगैरह में देखी है तो काफी बढ़िया लगती है। तो बातें जो हमने यहां पर काफी सारी कर ली है यार, अब जल्दी से एक काम करते हैं, इन सभी कॉम्पोनेंट्स को जो अपने बक्सों से बाहर निकालते हैं एंड इस पीसी को बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, पीसी बिल्ड हमारा यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो चुका है, एंड देख सकते हो जो फाइनल लुक हमको यहाँ पर मिला है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप ही लोग बताओ कि यार आपको कैसा लग रहा है ये पीसी जो कि हमने बनाया है चिपट्रॉनिक्स की वाइपर RGB कैबिनेट के अंदर। देख सकते हो कि कैसी लग रही है आपको ये कैबिनेट, हमको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। वैसे ये कैबिनेट अगर कोई और लेने के बारे में सोच रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वैसे इस कैबिनेट के बारे में। एक तो सामने 3 फैन मिलते हैं एंड एक पीछे मिलता है, टोटल 4 फैंस हो गए जो कि ARGB फैंस हैं, एड्रेसेबल RGB फैंस हैं, एंड आप इनको मदरबोर्ड से भी सिंक कर सकते हो। और ज़्यादा महंगी कैबिनेट नहीं है, शायद 4,500 रुपये के आसपास की कैबिनेट है, उस हिसाब से ठीक है, अच्छी वैल्यू ऑफर कर देती है। लेकिन इस कैबिनेट के अंदर जो है दो दिक्कतें हैं, एक तो इस कैबिनेट के अंदर थोड़ा सा जो यहाँ पर स्पेस है ना, थोड़ी सी इधर की साइड से स्पेस की कमी है, यानी कि लंबाई कम है थोड़ी सी कैबिनेट की, ठीक है। अगली चीज़, इस कैबिनेट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक है, मतलब ओके ही है, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ना ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठीक ठाक सी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। बट ओवरऑल आपको जो है 4 फैंस मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको जो कॉस्ट कटिंग भी करनी थी, क्योंकि वो और दूसरे आपको फीचर्स भी जो है ना इसके अंदर काफ़ी सारे दे रहे हैं। जैसे कि एक फीचर मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ में जो एक रिमोट भी मिलता है जो कि मैं हमारे भाई को जो है दूंगा ये वाला, तो इस रिमोट से मतलब कि आप जो है इसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, थोड़े बहुत आपको इसके अंदर इफेक्ट्स मिल जाएंगे या फिर कलर्स वगैरह जो भी आपको चेंज करने हो वो आप कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ग्रीन में कर दी है, ठीक है। देन आप इसके जो है और भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसको दबा करके चेंज हो जाए भाई, हाँ, तो अब जैसे ये ब्लू हो गया, ये वाइट हो गया, ये रेड हो गया, और है ना इस तरीके से आपको जो इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इसी के अंदर एक बटन है मदरबोर्ड सिंक का, अब जैसे ही मैं इसको दबा देता हूँ यहाँ से, तो अब ये मदरबोर्ड के साथ में जो है सिंक हो गया।
तो छोटा सा रिमोट भी मिल जाता है इस कैबिनेट के साथ में, तो ठीक ठाक सा फीचर है। बाकी गाइज आपको कैसा लगा यार ये वाला पीसी हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अब बस जो है इसको पैक करना है एंड भेज देना है नागालैंड। तो जी हाँ गाइज नागालैंड जाने वाला है ये पीसी। बाकी गाइज वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अगर आपको भी अपने लिए गेमिंग या फिर एडिटिंग पीसी परचेस करना हो तो आप हमको कॉल कर सकते हो, जो हमारे नंबर्स है वो आपको सामने देखने को मिल जाएंगे 7303986007। इस नंबर के ऊपर कॉल करके आज ही बुक करिए अपना गेमिंग या फिर एडिटिंग पीसी। बाकी और जो हमारी वेबसाइट की लिंक है वो भी मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।